दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारी इंडियन इको की एमसीक्यू सीरीज। देखो, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। कल हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहली बात तो इन क्वेश्चन से आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो रही है। जैसे हर पैटर्न के क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। सबसे पहले तो ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वन शॉट का लिंक मिलेगा। पहले चैप्टर पढ़ लो, साथ साथ में एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो। एमसीक्यू देखो, देखकर सॉल्व नहीं करोगे, वीडियो पॉज करोगे, साइड में अपना आंसर लिखोगे, इस तरह से खुद सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे और बाद में आपका जो भी स्कोर होता है 20 में से मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। विच बैंक वॉज सेटअप एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। रूरल फाइनेंसिंग से रिलेटेड, यानी कि रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हो गए, इन सब इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, उस एपेक्स बॉडी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, जो रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। तो हमें पता है पापा का नाम क्या है, नाबार्ड। अब यहां पर दो क्वेश्चंस बन गए, पापा का नाम क्या है, नाबार्ड, साथ में नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब सेटअप हुआ था, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कब सेटअप हुआ था, नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में। कब की बात है, 1982। द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज नोन एज, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है सबसे पहले उसे क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, फिर उन्हें स्टोर करके रखा जाता है, ग्रेडिंग होती है कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का, ये इससे खराब क्वालिटी का, ये इससे खराब क्वालिटी का, फिर कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें पैकेट्स में बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और भी बीच में कई प्रोसेसेस होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कंफ्यूज नहीं होता, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट नहीं होता, रेगुलेटेड मार्केट्स नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। डैश इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड इन केरला। ये हम लोगों ने पढ़ा था, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, केरला के नाम से ही याद आ जाएगा। एशिया का टॉप मोस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन कौन सा बैंक है, याद करो। सबसे पहली बात तो विमेन ओरिएंटेड है कि भाई औरतों को गरीबी से दूर करा जाए, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, गरीबी दूर करने से रिलेटेड प्रोग्राम है और औरतों को फोकस करके बनाया गया, याद करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं होगा, क्या नाम है, कुदुम्बश्री बैंक, याद रखना, एनसीईआरटी में गिवन है, पूछा जा सकता है। कुदुम्बश्री बैंक कहां पर सेटअप हुआ था, केरला के अंदर। विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाला है, दो स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है। एमएसपी इज एन अश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेस्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ये तो सही है, हम लोगों ने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पढ़ा था। एमएसपी का मतलब है सरकार फार्मर्स को बोल देती है, भाई फार्मर्स तुम अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचो, लेकिन अगर तुम मार्केट में नहीं बेच पाते, तुम्हारे पास में सरप्लस बच जाता है, तो जो भी सरप्लस है उसे सरकार परचेज कर लेगी, वो भी एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर, स्पेसिफाइड प्राइस पर, ताकि फार्मर्स को किसी तरह का कोई लॉस ना हो, उन्हें एक रेगुलर इनकम मिल जाए। तो सही बात है, एमएसपी यही है, फार्मर्स को अश्योरेंस दी जा रही है कि गवर्नमेंट उनके प्रोड्यूस को परचेज कर लेगी एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, करेक्ट है। PDS implies distribution of food grains through fair price shops, यहां तक तो सही है। Public distribution system का मतलब क्या है, जो भी food grains है, rice है, wheat वगैरह है, उन्हें fair price shops यानी कि राशन shops के through distribute करना, so that richer section of the society have an easy access to these things, यहां पर गड़बड़ हो गई। ये जो PDS है, fair price shops है, ये richer section of the society के लिए नहीं होती है, ये बेचारे गरीब लोगों के लिए होती है, weaker section of the society के लिए, specially BPL, below poverty लाइन जो लोग आ रहे हैं, ये उनके लिए होती है कि इन शॉप्स के थ्रू इन लोगों को राइस, वीट 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ऐसे प्रोवाइड करा जाता है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, तो सी वाला करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डैश वॉज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द रूरल क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट सिस्टम, एज इट लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। देखो ये मैंने भी आपको पढ़ाया है ये बात, ये जो लाइन है एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो याद करो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा क्या हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मिल्क कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश हुए, रेगुलेटेड मार्केट्स आए, ऐसा क्या हुआ कि भाई जो फार्मर्स क्रेडिट ले रहे थे, जो रूरल क्रेडिट था उसका पोर्टफोलियो ही बदल गया, अचानक से फार्मर्स अनप्रोडक्टिव क्रेडिट से प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्रेडिट पर शिफ्ट हो गए। तो याद करो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किस पर शिफ्ट हुए, कमर्शियल फार्मिंग पर, कि फार्मिंग करके जो भी प्रोड्यूस है उसे मार्केट में बेचेंगे। अब इसके लिए फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है बीज खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए, फिर अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना है अर्बन एरियाज तक, वहां पे पैसे की जरूरत है, लोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फार्मर्स के रूरल क्रेडिट का पोर्टफोलियो बदला, जो फार्मर्स पहले अनप्रोडक्टिव ब्याह शादी के लिए लोन ले रहे थे वही फार्मर्स अब प्रोडक्शन के लिए लोन लेने लगे। करेक्ट क्या होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है अगेन, ड्यूरिंग द पीरियड 1951 से 2016 ऑपरेशन फ्लड हैज इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन अबाउट 10 टाइम्स। सही बात है, 1951 से 2016 तक आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये बात भी, 1951 से 2016 तक ऑपरेशन फ्लड की वजह से हमारे मिल्क का प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 10 गुना मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो सही बात है, 1951 से 2016 तक ऑपरेशन फ्लड की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड इज अ सिस्टम, बताया है ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है वेयर ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू कोऑपरेटिव। सही बात है, ऑपरेशन फ्लड का मतलब है सारे के सारे बेचारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, हमारे गरीब फार्मर्स हैं, वो उन्होंने जितना भी मिल्क प्रोड्यूस करा है उसे इकट्ठा करेंगे अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, पैश्चराइजेशन होता है, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जर्म्स को किल करा जाता है, और फिर उन्हें पहुंचाया जाएगा अर्बन सेंटर्स के अंदर, शहरों के अंदर थ्रू कोऑपरेटिव्स। ये सारे के सारे फार्मर्स मिलकर काम करते हैं, ग्रुप बना के काम करते हैं, दिस इज ऑपरेशन फ्लड, और इसी की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारे, करेक्ट ए हो गया, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब तीन तो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है वो हमें पहचानना है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मींस टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स विद लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स दैट आर चीपर एंड देयर बाय जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सही बात है, देखो जो नॉर्मल फार्मिंग होती है, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं करी, कन्वेंशनल फार्मिंग, नॉर्मल फार्मिंग की बात करी, उसमें HYV सीड्स यूज में आते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज में आती हैं, ये सारी चीजें क्या है, कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फार्मर्स जो हैं वो लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करते हैं, जैसे एनिमल वेस्ट, काउ डंग हो गया, प्लांट वेस्ट वगैरह, जो भी लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं उन्हें यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीपर पड़ता है, और फार्मर ने जितना पैसा लगाया है, जो इन्वेस्ट करा है, उस पर उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। सही है, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग। ये भी सही बात है, जो फूड ऑर्गेनिकली बनता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है और वो टेस्टी भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू केमिकल फार्मिंग। तो ये भी सही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें से 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ किसका है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का है, यानी कि फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यही हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारे GDP के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे GDP का 6% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये लाइन मैंने आपके NCERT से उठाई है, सही बात है, जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें से 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर सेक्टर का है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह का, फ्लावर्स वगैरह का, और ये GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 6%। ये बात भी सही है, तो लास्ट वाला ही करेक्ट आंसर होगा, यही इनकरेक्ट होगा। मल्टी एजेंसी सिस्टम जो है उसके अंदर मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स आते हैं, ये गलत बात है। मल्टी एजेंसी सिस्टम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आता है, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, ये जो दे रखे हैं ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आते हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया हमारा, डी। समझ में आया,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रीजन फॉर डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल मतलब फार्मर को अचानक अपनी क्रॉप्स को बेचना पड़ेगा, वो भी जो भी प्राइस उसे मिल रही है सस्ते में बेचना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है। फार्मर नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ देयर डेट्स, ये सही रीजन है। फार्मर को अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे इमीडिएटली अपनी क्रॉप्स को बेचना पड़ता है, वो भी सस्ते के अंदर। फार्मर लैक स्टोरेज फैसिलिटी, फार्मर के पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, इस वजह से उसे बेचना पड़ता है, क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, अगर वो स्टोर भी करता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से फार्मर को अपने प्रोड्यूस को इमीडिएटली बेचना पड़ता है। तो करेक्ट डी हो गया कि इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है कर्जा चुकाने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज है भी तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमूल, अमूल एस्टैब्लिश हुआ, अमूल इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ, इज वन ऑफ द की माइलस्टोन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज इट मेड द नेशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अमूल के इनकॉर्पोरेशन के बाद में, अमूल एस्टैब्लिश होने के बाद में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि आज हमारी इकोनॉमी दुनिया के अंदर मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो घी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो पनीर हो, कोई भी चीज हो, इसके अंदर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनल मिल्क प्रोड्यूसर्स बाय ट्रेडर्स एंड एजेंट्स लेड टू द राइज ऑफ, देखो हमारे जो बेचारे मार्जिनल मिल्क प्रोड्यूसर जो थोड़ा थोड़ा सा मिल्क प्रोड्यूस करते थे, उनका हमारे ट्रेडर्स और एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, इसकी वजह से जन्म हुआ गोल्डन रिवॉल्यूशन का। नहीं, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसी और चीज से रिलेटेड है, आगे बताऊंगी। मिल्क कोऑपरेटिव्स, व्हाइट कोऑपरेटिव्स, ऑल्टरनेटिव चैनल्स, ऑल्टरनेटिव चैनल्स भी एक अलग चीज है। तो इसकी वजह से किसका जन्म हुआ, व्हाइट कोऑपरेटिव्स या मिल्क कोऑपरेटिव्स? याद रखना नाम क्या है, मिल्क कोऑपरेटिव्स। क्या नाम है? मिल्क कोऑपरेटिव्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं, पीछे जो पढ़ा था ना हम लोगों ने, ऑपरेशन फ्लड, कि फार्मर सारे के सारे मिलकर फार्मिंग करने लगे, यानी कि मिलकर वो अपना जो भी मिल्क प्रोड्यूस था उसे इकट्ठा करते, उसे फर्दर प्रोसेस करते और उसे अर्बन मार्केट्स में सेल करते, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरह ये बन गया। तो ये है मिल्क कोऑपरेटिव्स, इसी का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। और इसी की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, 10 गुना इंक्रीज हुआ, 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ, कि आज हम क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के। अब अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रिलेट्स टू अ शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बात सही है बट फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ पर आएगा ये गलत हो गया, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो कैसे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि फार्मर सिंगल क्रॉप के साथ में एक दूसरी क्रॉप भी उगाए, है ना, मल्टी क्रॉपिंग करे, ताकि अगर एक क्रॉप पर उसे कोई लॉस हो रहा है, एक क्रॉप की प्राइसेस नीचे चले गई या फिर एक क्रॉप की उसकी फसल खराब हो गई, तो वो दूसरी क्रॉप से पैसा कमा सके। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब होता है कि फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से उससे रिलेटेड दूसरी एक्टिविटीज पर शिफ्ट हो जाए, जैसे वो हॉर्टिकल्चर पर शिफ्ट हो जाए, फिशरीज पर शिफ्ट हो जाए, इस तरह की चीजों पर शिफ्ट हो जाए, लाइफ स्टॉक फार्मिंग पर शिफ्ट हो जाए, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान खोल ले, तो ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी आना चाहिए था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड क्रॉप फेलियर। ये ऊपर मैंने आपको बताया, ये सही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि फार्मर एक से ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, ताकि अगर प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन आता है, अगर राइस की प्राइसेस गिर जाएं, और मान लो फार्मर जो है वो साथ साथ में बनाना भी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर राइस की प्राइसेस गिर जाएं तो दूसरी क्रॉप से फार्मर पैसा कमा सकता है, उसका रिस्क कम हो जाएगा। एक क्रॉप उसकी खराब हो गई, राइस उसका खराब हो गया, तो वो वीट बेच के पैसा कमा सकता है, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, दिस इज क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है, डी आंसर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्या कहता है, विच इंडियन स्टेट बिकम लीडर इन सेटिंग अप ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स। मिल्क कोऑपरेटिव सेट करने में कौन सी स्टेट हमारी लीडर बन चुकी है, कौन सी स्टेट हमारी लीडिंग रोल प्ले कर रही है, तो ये तो सबको पता है, गुजरात। मिल्क कोऑपरेटिव्स कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है, अमूल इंडिया। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG की फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बट इट इज एलेज्ड दैट देयर बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस। ये बात सही है, ये बात मैंने आपके NCERT से उठाई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से आज हमारी जो वुमेन है वो एम्पावर्ड तो हो चुकी है कि कभी भी पैसे की जरूरत है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा ले सकती हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि जो औरतें पैसा बोरो कर रही हैं, बेसिकली वो पैसा किसके लिए बोरो करी हैं, कंजम्पशन पर्पस के लिए बोरो करी है, घर खर्च चलाने के लिए पैसा बोरो करी है, किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए वो पैसा बोरो नहीं करती। सही बात है, औरतों की कंडीशन इंप्रूव हुई है, लेकिन औरतें जो पैसा बोरो कर रही है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए कर रही है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं कर रही। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव एमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ये बात भी सही है, NCERT में गिवन है। हमारे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कोलेटरल चाहिए होता है बैंक्स वगैरह को, बेचारे फार्मर्स के पास में कोलेटरल रखने के लिए कुछ होता नहीं है गिरवी रखवाने के लिए, बहुत सारा पेपर वर्क फॉर्मैलिटी होती है, हमारे फार्मर्स ये फॉर्मैलिटी नहीं कर सकते। इस गैप को फिल करने के लिए जन्म किसका होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो फार्मर्स की माइक्रो क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन मीटिंग माइक्रो क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल बोरोवर्स। अभी मैंने बोला था फार्मर्स की माइक्रो क्रेडिट नीड्स की, किसी फार्मर को बहुत ही छोटी अमाउंट का लोन चाहिए, वो भी थोड़े से टाइम के लिए, तो इनमें से कौन सा है जो फार्मर की माइक्रो क्रेडिट नीड्स को पूरा करता है, क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हम लोगों ने पढ़ा था ना माइक्रो क्रेडिट के अंदर ही आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पोल्ट्री फार्मिंग से, हनी से, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से, या फिर जूट से। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम जूट से रिलेटेड है, तो बच्चों जो जूट वाला है उसे बोलते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। हम सिर्फ गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी से रिलेटेड है, मैंने पढ़ाया था आपको, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड है, पोल्ट्री फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, जूट से लेना देना है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का, गोल्डन रिवॉल्यूशन का नहीं। तो करेक्ट क्या हो गया, हनी एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब साथ साथ में याद रखना सी होगा, है ना, सेकंड और थर्ड, हनी एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या आ जाता है, बेसिकली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स डेकोरेशन के लिए जो हम यूज करते हैं। Which government agency maintains buffer stock of wheat and rice? कौन सी government agency है जो buffer stock maintain करके रखती है wheat और rice का? Farmers से जो भी purchase करा गया ना, जो MSP purchases है, कि farmers जैसे market में नहीं बेच पाए, उसे सरकार ने purchase कर लिया एक fixed price पर, उससे buffer stock maintain करने का काम कौन सी agency का है? Public distribution system का नहीं है, इसका काम है fair price shops, ration shops के through इन purchases को गरीबों तक, जो लोग below poverty line आते हैं उन तक पहुंचा ना, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो फुल फॉर्म लिखी है, कोई मतलब नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, ये काम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। किसका काम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि फार्मर से जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेस करा गया है उसे एज अ बफर स्टॉक मेंटेन करके रखा जाए ताकि इमरजेंसी में यूज कर सके। Identify which of the following is not a step taken by the government to improve rural marketing. Rural marketing यानी कि agricultural marketing को promote करने के लिए सरकार ने बहुत सारे steps लिए, इनमें से एक वो step बताओ जो सरकार ने नहीं लिया, जो नहीं आता है इसके अंदर। Maintenance of buffer stocks ये सरकार ने लिया है, है ना, maintenance of buffer stock ये policy instruments के अंदर आता है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, ये भी आता है, इसी में हम लोगों ने मिल्क कोऑपरेटिव्स पढ़ा था। सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स और मार्केटिंग कमेटी भी सेटअप करी ताकि हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इस कमेटी में फार्मर के, गवर्नमेंट के और ट्रेडर के लोग बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, तो ये तीनों काम तो सरकार ने करे। प्रमोटिंग ट्रेड बाय बिग रूरल मर्चेंट्स, ये सरकार ने नहीं करा, ये एकदम उल्टा है कि भाई बिग रूरल मर्चेंट्स है उनकी ट्रेड को प्रमोट करना, तो ये हमारे स्मॉल फार्मर्स से रिलेटेड नहीं है, करेक्ट आंसर ये है। बाकी तीनों चीजें हमारी गवर्नमेंट ने करी ताकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सके। अब देखो आमने सामने हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, ये गलत हो गया। अगर हमें फेंसेस कंस्ट्रक्ट करवानी है फील्ड के अराउंड, अगर फार्मर को तार वगैरह लगवाने हैं ताकि जो भी जानवर हैं वो अंदर ना आए, तो ये आता है मीडियम टर्म क्रेडिट के अंदर। कौन से में आता है, मीडियम टर्म क्रेडिट में। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप्स, कायदे से यहां पर आना चाहिए था, ये क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। कैसी क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, तो ये भी गलत हो गया।
अपनी मंडी, डायरेक्ट सेल्स बाय द फार्मर्स टू द कस्टमर्स, ये करेक्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, हड़प्पर मंडी हो गया, अपनी मंडी हो गया, बिग बाजार वगैरह हो गया, फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कस्टमर्स को बेच सकते हैं बिना किसी मिडिलमैन के। तो ये क्या था, अ रे ऑफ होप, हम लोगों ने पढ़ा था। तो सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, पहले वाले की तरह देखते हैं, जैसे हम लोगों ने करा था ना, हम लोगों ने कल करके देखा था किस तरह से हम जिसमें श्योर है उसे सबसे पहले ले लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, नहीं। प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन तमिलनाडु टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एलिमिनेशन ऑफ मनी लैंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज कंडक्टिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। याद करो ऑर्गेनिक फार्मिंग किससे रिलेटेड है, कंडक्टिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, हमारी सॉइल जो है वो लॉन्ग टाइम तक सही रहती है, हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छा है, आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है। तो ए के साथ में फोर्थ फिट बैठ गया, ए के साथ में फोर्थ फिट बैठ गया, तो भाई इसको हटा दो, इसको हटा दो, ए के साथ में फोर्थ फिट बैठ रहा है, तो सी और डी में से आंसर होना चाहिए। ठीक बात है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से फार्मर्स मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पर आ जाए। हम लोगों ने पीछे देखा था एक क्रॉप के अलावा दूसरी क्रॉप भी ग्रो करा जाए ताकि रिस्क से बच सके, तो बी के साथ में फर्स्ट हो गया, बी के साथ में फर्स्ट, अच्छा ये भी दोनों में आ रहा है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, तमिलनाडु विमेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ मनी लैंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज, ये सही है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मकसद है कि मनी लैंडर्स को खत्म कर दिया जाए ताकि फार्मर्स जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह से लोन ले तो फार्मर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मनी लैंडर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो सी के सामने थर्ड आना चाहिए, मतलब डी वाला फिट बैठ रहा है हमारा। और डी का सेकंड, तनवा क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु के अंदर कि औरतों को एग्रीकल्चर की अलग अलग टेक्निक सिखाई जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सिखाई जाए, तो डी वाला हमारा करेक्ट है। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं, जो सबसे हमें लग रहा है हम भी बिल्कुल श्योर हैं सबसे पहले उसे पिक करो, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो, जो गलत लग रहे हैं सबसे पहले उन्हें हटाओ, फिर बाकियों में से चूज करते जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन कहता है फर्टिलाइजर्स रिस्टोर क्रॉप हेल्थ नॉट द सॉइल हेल्थ। सोच के देखो ये बात सही है, फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से हमारी क्रॉप हेल्थ तो मेंटेन रहती है कि हम अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन सॉइल हेल्थ हमारी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। हमें पता है ना फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, लॉन्ग टाइम के अंदर ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं। सही बात है, क्रॉप हेल्थ के लिए अच्छा है फर्टिलाइजर्स को यूज करना, क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, धीरे धीरे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। रीजन क्या कहता है, फर्टिलाइजर्स आर मेंट टू रेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फर्टिलाइजर्स से हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सही बात है, बट कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इरोड्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, लेकिन अगर इन्हीं फर्टिलाइजर्स को हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो इनसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ये बात भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्रॉप हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो ए होगा, दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट के भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान से सुन लेना। देखो अभी हमारे चैनल का नाम क्या है, NY क्लासेस है, लेकिन बहुत जल्दी इसी मंथ के अंदर मैं चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ, और चैनल का नाम चेंज करके मैं चैनल का नाम रख रही हूँ नेहा जांगिड, NEHAJANGID, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो नाम है ना, बच्चे इस नाम में कंफ्यूज होते हैं, माई क्लासेस, बाय क्लासेस, स्मॉल में NY क्लासेस, और बहुत ही कॉमन सा नाम है, तो नाम चेंज करके हम नाम रख रहे हैं नेहा जांगिड। अगर फ्यूचर में आपको ये चैनल ना मिले, कई बार होता है ना नाम चेंज करते हैं चैनल एकदम डाउन चले जाता है, सर्च से हट जाता है, तो अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो उसके लिए आप एक दो वीडियोस के लिंक सेव करके रख सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट बता रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हमेशा आपको दिखता रहेगा, आप सब्सक्राइबर्स में जाके चेक कर सकते हो, या फिर एक काम करो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड, इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसका नाम यही रहेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं यहां पर आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे, अपडेटेड रहोगे। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टा आईडी का लिंक भी मिलेगा, आप वहां से भी कनेक्टेड रह सकते हो, बेस्ट है टेलीग्राम, यहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि फ्यूचर में आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुके नहीं, अगर नाम बदल जाता है एकदम से आपको चैनल नहीं मिल रहा तो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए, आप हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहो, ठीक है? तो यहां तक अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।